प्रशासन और सरकार अलर्ट पर है। तूफान कई जिलों से होकर गुजरेगा और कई इलाकों में बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका है। तो वहां से लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। अभी तक 37,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया, जिस काम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मुस्तैदी से जुट गई है। जहां एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात है, कच्छ में 4, द्वारका राजकोट में 3-3, जामनगर में 2, जूनागढ़ पोरबंदर गिर सोमनाथ मोरबी और वलसाड़ में 1-1 टीम तैनात की गई, जबकि वडोदरा में 3 और गांधीनगर में 1 टीम को रिजर्व मोड पर रखा गया है। तो वहीं एसडीआरएफ की 10 टीमें तैनात की गई, जिनमें कच्छ, जामनगर और देवभूमि द्वारका में 2-2 टीमें, जबकि जूनागढ़, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, मोरबी, पाटन और बनासकांठा में 1-1 टीम तैनात की गई है। लेकिन प्रशासन और एनडीआरएफ की एसडीआरएफ की कोशिशों के बावजूद गुजरात के एक गाँव ऐसा भी है जहाँ के लोग चाहते हुए भी अभी तक सुरक्षित जगह शिफ्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि इस गांव के लोग अपना घर छोड़ना नहीं चाहते। अब ऐसा नहीं है कि उन्हें अपनी जान प्यारी नहीं, लेकिन वो अपने मवेशियों को तूफान के खतरे के बीच अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहते। आशीरावान गांव, जो सबसे आखिरी गांव है इस इलाके का, वहां पर अभी भी लोग यहां पर रह रहे हैं। इस गांव के लोगों का मुख्य काम पशुपालन है, इसी से इनकी रोजी रोटी चलती है। यही वजह है कि वो अपने मवेशियों के बिना कहीं नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें फिक्र है कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके मवेशियों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। गुजरात से बिपुर जोए के टकराने की वजह से होने वाले नुकसान को कम करने में प्रशासन जुटा है, जिसकी वजह से नवालखी बंदरगाह को फिलहाल बंद कर दिया गया। नवालखी बंदरगाह पर 10 नंबर वाली चेतावनी जारी कर दी है और इसका मतलब है कि ये बंदरगाह बहुत ही ज्यादा खतरे के जोन में अब आ चुका है। तो बंदरगाह को लेकर भी डेंजर जोन जो है अब यह लिया गया है, यानी कि डेंजर जोन में है अब यह बंदरगाह। फिलहाल इस बंदरगाह को बंद किया गया, किसी भी तरीके का कामकाज यहां नहीं किया जाएगा। इसी बीच चक्रवाती तूफान बिपुर जोए से होने वाले नुकसान की संभावना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। नवालखी बंदरगाह को बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, नवालखी बंदरगाह पर 10 नंबर का चेतावनी सिग्नल जारी किया गया, जिसका मतलब यह है कि बंदरगाह बहुत ही ज्यादा खतरे के जोन में आता है। नवालखी बंदर पर 10 नंबर का सिग्नल लगाया गया है, जिससे पता चलता है कि जो डेंजर जोन में है। मौसम विभाग ने बिपुर जोए चक्रवाती तूफान के असर से 15 जून को कच्छ, जामनगर, द्वारका और मोरबी में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है, जिसका गुजरात के ज्यादातर जिलों में बड़ा असर हो सकता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन मूसलाधार बारिश और समुद्र तटों पर तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी, जिसकी वजह से बंदरगाह के सभी अधिकारियों को अलर्ट किया गया। साथ ही आसपास के लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। तूफान के खतरे के बीच गुजरात के ओखा में फंसे 50 कर्मचारियों को रेस्क्यू किया गया। तूफान के अलर्ट की वजह से समुद्र में नावों और जहाजों की आवाजाही बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से एक निजी कंपनी में काम कर रहे 50 कर्मचारी फंस गए। जिसकी जानकारी मिलते ही इंडियन कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और हेलीकॉप्टर की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये कर्मचारी गुजरात के ओखा के समुद्र तट से करीब 50 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच काम कर रहे थे, और जैसे ही समुद्र में लहरें उठने लगी, जहाजों की आवाजाही बंद कर दी गई, जिसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और रात होते होते 26 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन उसके बाद मौसम खराब हो गया और रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा, जिसे सुबह होते ही फिर शुरू किया गया और हेलीकॉप्टर की मदद से बाकी बचे कर्मचारियों को बचाया गया। इधर गुजरात के राजकोट में तूफान का असर दिखने लगा है, जहां तेज हवा की वजह से एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिसमें दबते दबते एक ऑटो वाला बाल बाल बचा है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान जैसे जैसे पास आएगा, हवाओं की रफ्तार तेज होती जाएगी और नुकसान की आशंका इसीलिए जाहिर की जा रही है। लेकिन राजकोट से तस्वीर आप देख रहे हैं, बाल बाल बचा है ये ऑटो वाला। राजकोट में तूफान बिपुर जोए की वजह से तेज हवाएं चली, जिससे एक बड़ा पेड़ गिर गया। पेड़ गिरते इलाके में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि तेज हवा की वजह से गिरा पेड़ काफी विशाल था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि गनीमत रही कि जब ये पेड़ गिरा तो उसके आसपास कोई मौजूद नहीं था, लेकिन एक ऑटो रिक्शा पास से गुजर रहा था, जिसने पेड़ गिरता देख ऑटो रिक्शा कुछ दूर पहले ही रोक दिया गया, जिसकी वजह से वो पेड़ के नीचे दबने से बच गया। लेकिन अचानक ब्रेक लगाने की वजह से ऑटो रिक्शा एक पत्थर से टकरा गया। उधर बिपुर जोए तूफान पाकिस्तान में भी दस्तक देगा और वहां भी उसके पहुंचने से पहले ही सिंध प्रांत में हाहाकार मच गया, जिसके बाद वहां के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने इमरजेंसी लगा दी। यही नहीं, समंदर के किनारे रहने वाले लोगों को निकालना भी शुरू कर दिया गया, क्योंकि कराची में बिपुर जोए तूफान की आहट दिखने लगी। वहां तेज रफ्तार से हवाएं चलती नजर आई। तूफान के पहुंचने में 2 दिन का वक्त बाकी होने के बावजूद तेज हवाएं लोगों को डराने लगी। तेज आंधी की वजह से पूरे इलाके में धूल ही धूल दिखाई दी। यही नहीं, कराची के तट पर समंदर में ऊंची ऊंची लहरें भी उठती नजर आई।
पाकिस्तान के मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय के 15 जून को कराची के तट से टकराने की संभावना है। इसी वजह से निचले इलाकों में रह रहे हजारों लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया। इसके लिए सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने पाकिस्तानी नौसेना की मदद मांगी। पाकिस्तान में बिपरजॉय चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। अब कराची के बेहद करीब पहुंच गया है, जिसकी वजह से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। पाकिस्तान में 1,00,000 लोगों पर तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो देखिए, भारत में तो है ही नुकसान की आशंका, लेकिन कराची यानी कि पाकिस्तान में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। बिपरजॉय को देखते हुए 1,00,000 लोग ऐसे हैं जिनको शिफ्ट किया जा रहा है सुरक्षित जगहों पर, लेकिन वहां हालात पहले ही आर्थिक तौर पर खराब चल रहे हैं। ऐसे में इस तूफान के कारण पाकिस्तान में और खासतौर पर कराची के जो करीब के इलाके हैं वहां हालात और गंभीर हो गए। इस बीच भारत की तरफ बढ़ रहे तूफान बिपरजॉय का खतरा पाकिस्तान के कराची पर भी मंडरा रहा है। बताया गया कि तूफान बिपरजॉय कराची से कुछ दूरी पर है, जिसके बारे में पाकिस्तान के मौसम विभाग ने आशंका जताई कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय जल्द ही कराची में दस्तक देगा। अरब सागर में उठे इस तूफान के कहर से बचाने के लिए पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से करीब 1,00,000 लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया। कराची में भी जुमेरात के दिन से तेज आंधी के साथ बारिशें मुतवक्के हैं। पाकिस्तान के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की कि तूफान बिपरजॉय की वजह से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। यही नहीं, पाकिस्तान के समुद्री इलाकों में 30 फीट तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इसीलिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। लेकिन कराची समेत पाकिस्तान में बिपरजॉय के बढ़ते खतरे के बीच वहां के लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई, क्योंकि तूफान बिपरजॉय के बढ़ते खतरे के मद्देनजर बंदरगाह पर सभी काम रोक दिए गए, जिसकी वजह से वहां काम करने वाले लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ गया। अब उनके सामने अपने परिवार का पालन पोषण करने का संकट खड़ा हो गया है। चूल्हा जलाएंगे कैसे, हम घर पे काम करेंगे क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ निचले इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षित जगह शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन उनके लिए घर का सारा सामान समेट कर जाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में जरूरी सामान लेकर वो परिवार समेत सुरक्षित जगह जा रहे हैं, लेकिन तूफान में अपने आशिया के उजड़ जाने का डर उन्हें परेशान कर रहा है। वहीं गुजरात के कच्छ जिले में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया और समंदर किनारे बसे कई गांवों को खाली कराया गया। बिपरजॉय तूफान तेजी से गुजरात के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है और वो अगले 2 दिन में कच्छ से टकराने वाला है, जिसके बाद समंदर में ऐसी लहरें उठ सकती हैं कि गांव के गांव बह जाएं, क्योंकि 2 दिन पहले ही कच्छ में हालात डराने वाले हो गए। समंदर की लहरें इतनी खतरनाक हो गईं कि उनसे बचना मुश्किल हो गया। ये हाल तब है जब बिपरजॉय दूर है और इससे पहले कि वो कच्छ के तट से टकराए वहां समंदर के किनारे बसे गांवों को खाली करवा दिया गया। कच्छ के मांडवी इलाके से भी गांव के लोगों को सुरक्षित जगह भेज दिया गया। ये बीच बिल्कुल बंद कर दिया गया है और समुद्र में आप करंट भी देख सकते हैं। वहीं गुजरात के जखो बंदरगाह पर गांव खाली करवा लिए गए। इनके मकान जहाँ पर ये ताले जड़ दिए गए हैं, यहाँ से सुरक्षित जगहों पर वो शिफ्ट हो चुके हैं। जखो बंदरगाह के नजदीक रहने वाले 700 परिवारों को सुरक्षित जगह पहुँचाया गया। ऐसे में तूफान से निपटने की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। तूफान बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए सेना और कोस्ट गार्ड के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने भी मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि तूफान के जमीन से टकराने के बाद भारी तबाही की आशंका जताई गई। इसीलिए इंडियन कोस्ट गार्ड तूफान की लगातार निगरानी है। इसके लिए कच्छ के जखो में एक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां सैटेलाइट के जरिए तूफान की निगरानी की जा रही है। साइक्लोन पर पैनी नजर रखी जा रही है, मिनट टू मिनट अपडेट यहां से लिए जा रहे हैं। खतरे को देखते हुए राहत बचाव से जुड़ी तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। तटीय इलाकों में सेना की तरफ से 14 मेडिकल टीमों को तैनात किया गया है। बताया गया कि ये टीमें राहत बचाव के लिए किसी भी जगह पर महज 2 घंटे के भीतर पहुंच जाएंगी। और इसके साथ ही भारतीय वायुसेना भी तूफान को लेकर हाई अलर्ट पर है। गुजरात के कई एयरबेस पर हेलीकॉप्टरों को स्टैंड बाय पर रख दिया गया है, यानी जरूरत पड़ने पर उन्हें फौरन ऑपरेशन के लिए भेजा जा सकेगा। जानकारी के मुताबिक गुजरात के जामनगर, भुज और नलिया एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने बताया कि बिपरजॉय तूफान गुजरात के 8 जिलों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है, जिनमें कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, मोरबी, पोरबंदर, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ शामिल हैं। इसीलिए इन जिलों में एनडीआरएफ की 18 और एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा सेना के जवानों को भी वहां राहत बचाव के लिए उतार दिया गया है। और इन 8 जिलों में 1,500 से ज्यादा शेल्टर बनाए गए हैं। आशंका जताई गई कि तूफान तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, यानी वो इलाके जो समुद्री तट से 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं। और जानकारी के मुताबिक गुजरात के जिन 8 जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है, उनके करीब 260 गांव समुद्र तट से 5 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए हैं और इन गांवों की आबादी 14.5 लाख से ज्यादा बताई गई।
और ये संख्या इतनी बड़ी है कि वहाँ से सभी लोगों को निकाल पाना आसान नहीं होगा। इसीलिए वहाँ तूफान की जमीन से टकराने से पहले राहत बचाव के काम तेज कर दिए गए। वही मौसम विभाग ने गुजरात में तूफान के दौरान तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में आशंका जताई गई कि तेज हवाएं पेड़ों और बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जिसकी वजह से कई इलाकों की बिजली प्रभावित हो सकती है। इस परेशानी से निपटने के लिए बिजली विभाग ने करीब 600 टीमों को तैनात किया है, जबकि सड़कों की मरम्मत और सफाई के लिए 115 टीमों को लगाया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी तूफान को देखते हुए अपनी कमर कस ली है और जिन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है वहाँ के अस्पतालों में जनरेटर की व्यवस्था की गयी है, ताकि बिजली जाने के बाद भी काम प्रभावित न हो। इसके अलावा जरूरी दवाओं के इंतजाम के साथ साथ अस्पताल के कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई है। साथ ही इमरजेंसी वाले हालात के लिए करीब 240 एम्बुलेंस तैनात की गई है।